कटनी जिले के अंतर्गत आने वाले रीठी थाना क्षेत्र में एक 18 वर्षीय युवती का अपहरण करने के बाद सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया, जिसमें कटनी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ठाकुर गुमान सिंह ने अपने सहयोगियों कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महेंद्र जैन, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पंचायत राज कमेटी के जिला अध्यक्ष गर्ग, कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष पंकज गौतम सहित अन्य लोगों के साथ एएसपी से मामले के संबंध में पीड़िता को उचित न्याय दिलवाने की बात कही। इसमें कहा गया कि अभियुक्तों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए, अगर 3 दिन में गिरफ्तारी नहीं की जाती है तो वे आंदोलन करने को बाध्य होंगे। एएसपी ने बताया कि 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और 1 अन्य को भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। सीआरपीसी के प्रोविजंस हैं वो हम लोग लागू कर रहे हैं और आप इसमें जो फेयर इन्वेस्टिगेशन के अंतर्गत जितने भी मुलजिम हैं आप बने हैं वो बनाए जाएंगे और इनके अरेस्टिंग के लिए तत्काल अरेस्टिंग के संबंध में टीमें रवाना कर दी गई हैं। हमारी साइबर टीम, फोरेंसिक टीम और 5-6 टीमें वर्क कर रही हैं और जितने भी प्रार्थी पीड़ित पक्ष ने आरोपी बताए हैं वो हम जल्द से जल्द अरेस्ट करेंगे। अभी भी हमारे पास 2 आरोपी आ चुके हैं और बाकी यही अरेस्टिंग के हम लोग प्रयास कर रहे हैं। वहाँ के थाना प्रभारी यादव जी और कटनी जिला के एएसपी मिश्रा जी उपस्थित थे, कार्यवाही चल ही रही थी। मैंने उनसे जानकारी लिया कि भाई ये बात समाचार पत्रों में आई है तो क्या सही है क्या गलत है। उनने बताया कि नहीं, ये घटना घटी है और ये बात सही है। तो मैंने कहा मुलजिम कब तक पकड़ेंगे? बोले मुलजिम हम पकड़ लेंगे, जल्दी पकड़ेंगे। मैंने कहा उनसे कि देखिए, एक दलित महिला है, पूरे मध्य प्रदेश में जब से शिवराज सिंह की सरकार बनी है तब से दिन प्रतिदिन पूर्व की अपेक्षा 2 गुना से ज़्यादा 3 गुना तक महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है। कांग्रेस पार्टी का एक ऐसा हमेशा मानना रहा, सिद्धांत ही यही है कि दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ, पिछड़े हों चाहे मजदूर वर्ग के लोग हों, इन सबके साथ जिनके साथ अन्याय होता है और उसका वो प्रतिकार नहीं कर सकते, उनके साथ कांग्रेस खड़ी रहती है।